हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सॉरी इट्स आफ्टरनून। और अभी टाइम हो रहा है आपको, मतलब 1 बजने को है। सो राइट नाउ हम लोग जा रहे हैं, एक हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी शूट करने के लिए। वो हिस्टोरिकल प्लेस इतना मतलब खौफनाक है, वहाँ पे जाने से लोग डरते थे पहले, बट अभी नॉर्मल है। और अभी मैं उसी जगह पे जा रहा हूँ शूट करने के लिए, और एक तरह से उसको भूतिया महल भी कहते हैं, और वहाँ पे बहुत डरावना भी होता था। सो अभी मेरे दोस्त नीचे वेट कर रहे हैं, मैं अपने छत पे हूँ, और थोड़ा सा यहाँ का आपको व्यू दिखा देता हूँ। योगेंद्र, तो राइट नाउ गाइस अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है दीपावली होने के कारण। देख सकते हो जगह जगह पे मार्केट लगी हुई है। गाइस ये महरौली मार्केट है, अभी आपको गाइज अभी हम लोग उसी भूतिया महल के पास खड़े हैं। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये महल है। सो यहाँ के लोग बोलते हैं इसको भूतिया महल के नाम से भी जाना जाता है, इस स्मारक को। ये एक तरह का स्मारक है जो 1562 ईस्वी में इसका स्थापना मतलब बनाया गया था, और अहमद खान का जो अपने बेटे के लिए बनाया था इस स्मारक को, और उस बेटे का नाम है एडम खान था। सो राइट नाउ अभी जो ये आपको स्मारक दिख रहा है, अभी अहमद खान का मकबरा अंदर है। आइए चलते हैं हम लोग अंदर। सो राइट नाउ गाइज मकबरा अंदर बना हुआ है अहमद खान का। तो अभी हम लोग अंदर नहीं जाएंगे, अभी पहले बाहर घूमेंगे। सो लेट्स गो। क्या हुआ योगी, थक गया क्या? हाँ थक गया। सो राइट नाउ गाइज अभी हम लोग यहाँ से अंदर जाएंगे। इस मकबरे में टोटल 8 दरवाजे हैं। सो लेट्स गो, अंदर की ओर चलते हैं।
इस मकबरे के अंदर में है, जैसे देख सकते हो हम लोग, और हम लोग अभी अंदर में है और मेरे साथ है योगेंद्र जो मेरा दोस्त है। सो राइट नाउ गाइस, ये जो आपको मकबरा दिख रहा है ये अहमद खान का, उनकी जो लाश थी मरने के बाद उनको यहीं दफना दिया गया था। सो राइट नाउ गाइस, ये वाला जैसे आप खिड़की देख रहे हो ये ऊपर जाने का रास्ता है, यहाँ से ये ऊपर की ओर जाता है। चिल्ला एक बार, आवाज आवाज। तो गाइस, यहाँ का जो ये आपको स्मारक दिख रहा है इसको भूलभुलैया के नाम से जाना जाता है, इस स्मारक को। और राइट नाउ गाइस, आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, हिस्टोरिकल प्लेस है ये। और लोग कहते हैं कि एक शहर से दूसरे शहर से जाने के लिए ये भूलभुलैया, यहाँ सिर्फ जैसे देख सकते हो वो थोड़ा सा गड्ढा जैसे दिख रहा है, वो रास्ता था एक शहर से दूसरे शहर को, अंडरग्राउंड ही था रास्ता। तो यहाँ के बारे में थोड़ा सा आप सबको डिफाइन कर देता हूँ। ये जो स्मारक था गाइस, ये 1562 ईस्वी में बना हुआ था और अभी 2020 है, तो लगभग 458 साल, मतलब 458 साल हो चुके हैं इस स्मारक को। 458 साल मतलब कितनी सदी हो गई, चार सदी, साढ़े चार सदी, मतलब चार सदी। सो राइट नाउ गाइस, जो एडम खान था, सो अहमद खान का बेटा था, जो अभी जिसको मैंने, जिसकी अभी अंदर मकबरा दिखाया वो अहमद खान का मकबरा है। और एडम खान था वो अहमद खान का बेटा था, जिनकी शादी इसी महल में किया जा रहा था, उनकी हो गई। तो लोग जो मेहमान आए हुए थे वो बाहर निकलने के लिए उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा था, वो सारे लोग कहते हैं कि अभी वहाँ से लोग आए ही नहीं, कोई वापस लौट के आए नहीं इस स्मारक के अंदर से, इसीलिए इस स्मारक का नाम भूलभुलैया रख दिया गया। तो नेक्स्ट टूर हमारा होगा कुतुब मीनार, जो यहाँ से मेरा 5 मिनट का रास्ता है, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स यहाँ से डिस्टेंस। कुतुब मीनार के जस्ट ये बैक साइड भूलभुलैया है, आपके हिस्टोरिकल प्लेस है।